हम मिट करके बहुत खुश हुआ इसके लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा, हॉस्पिटल में थे, उसको तबीयत ठीक नहीं था। देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी का खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। पटना पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जैसे ही ममता पटना के राबड़ी आवास से बाहर निकली उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है। ममता बनर्जी ने कहा कि लालू यादव बहुत तगड़ा है, बीजेपी से उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और ममता ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने ही उन्हें जेल भेजवाया। ममता बनर्जी साफ तौर पर पटना की धरती पर पहुंचने के बाद ये कह रही थी कि आज भी लालू यादव लड़ रहे हैं भाजपा से। बिहार में विपक्ष की बड़ी बैठक कल होनी है और इससे पहले तमाम नेताओं की जुटान जब पटना में हो रही है तो ममता बनर्जी भी पटना पहुंच चुकी है और पटना में ममता बनर्जी ने मुलाकात किया है लालू प्रसाद यादव से। इसके बाद ममता बनर्जी क्या कह रही हैं जरा सबसे पहले वो सुनिए। हम इसको बहुत पसंद करते हैं और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। मधुबनी का साथ, राबड़ी देवी का साथ, तेजस्वी का साथ, लालू जी का साथ, हम मिट करके बहुत खुश हुआ इसके लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा, हॉस्पिटल में थे, उसका तबीयत ठीक नहीं था, हम लोगों ने बहुत दुखी थे। आज उसको देख के हमारा बहुत हम खुश हुआ है और आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी का खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। सो हमारा पूरा हम पहले बिहार में आके इसी के लिए लालू जी को मिट किया। दीदी आपका बहुत बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका और लालू जी में भाषण दे रहा था। जब हम भी एमपी था, लालू जी भी एमपी था, तो लालू जी भाषण दे रहा था, प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव क्या है, बोलता है सबसे ज्यादा है। ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा अभी हम नहीं कह सकते हैं। देखिए हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखते हैं मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। कांग्रेस और सीपीएम के साथ, कांग्रेस कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप बंगाल में लड़ेंगी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी। मैंने जो बोला है जो नीति क्लियर होगा वो सबको लिए होगा। केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते चाहिए, वो कल मीटिंग में करेंगे। दीदी पश्चिम बंगाल पटना से ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। पटना पहुंची ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार की धरती पर आकर अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, ममता ने लालू से मुलाकात के बाद बीजेपी पर भी जमकर प्रहार किए। फिलहाल आपके लिए बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।